श्योपुर जिले का है, जहां बहुत समय से रेत पर पाबंदी है, लेकिन इन पाबंदियों के बाद भी रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है और वे धड़ल्ले से रेत का कारोबार कर रहे हैं। श्योपुर जिले के समीप भोगी का तिराहे पर रात में चेकिंग के लिए खड़े खड़ियाल विभाग के अधिकारी आरआर अटल रेत माफियाओं को पकड़ने के लिए अपनी टीम को लेकर खड़े तो नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी आंखों के सामने ही रेतों के ट्रक वहां से गुजर रहे थे, लेकिन घड़ियाल विभाग नहीं ले पा रहा था उन पर एक्शन। जबकि प्रशासनिक तौर पर उनके पास इस चीज का पावर होते हुए भी खड़े खड़े रेत के ट्रकों को देखते रहे और रेत के भरे हुए ट्रक उनके सामने से ही निकलते रहे। इसमें लगता है रेत माफिया और घड़ियाल विभाग इससे नजर आता है, दोनों मिलकर करा रहे हैं रेत का अवैध उत्खनन। इससे साफ नजर आ रहा है कि घड़ियाल विभाग क्यों तमाशा बना हुआ है, क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रहा है या इसमें भी मिलीभगत से हो रहा है रेत का उत्खनन। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने कहा, घड़ियाल विभाग के अधिकारियों की सच्चाई बोले, 2000 रुपए लेकर रेत की ट्रॉली निकाल रहे हैं, डंपर भी लगातार चल रहे हैं और कर रहे हैं अवैध वसूली। घड़ियाल विभाग के अधिकारी, आपके पास अधिकार है, आपके पास सब तरह की, आप पकड़ो उनको, आप पुलिस की मदद लेके पकड़ो। आप घड़ियाल विभाग से हो तो पुलिस मदद क्यों नहीं करेगी आपकी?